और यहाँ जो भारतीय रेल जय गेट मित्र जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं और जो इसमें गेट में जो काम करते हैं, गेट का मतलब जहाँ रेल गुजरती है वहाँ गांव देहात के अंदर एक फाटक होता है कि जब लोगों का जो निकलना वरना होता है या वहाँ कोई वाहन निकलता है तो यही लोग उस गेट पर रात दिन अपनी ड्यूटी करते हैं। और चाहे बरसात है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, इतनी धूप, किलकिलाती धूप के अंदर वहाँ बड़े पैमाने पर लोग काम करते हैं। ना इन्हें पानी पीने की सुविधा है, ना वहाँ इन पर छतरी है, बड़ी मुश्किल से वहाँ नौकरी करते हैं। और नौकरी करने का इनका क्या जरिया है, ये आप सुनकर बड़े हैरत रह जाएंगे, बड़ा दुख होगा आपको, बहुत बड़ी पीड़ा होगी कि ये जो गेट की जो गेट लगा रखे हैं पूरे लाइन के किनारे या जगह जगह जिलों के अंदर या जहाँ भी कहीं मानव गेट होते हैं तो वहाँ पर देखा गया है कि ये लोग वहाँ काम करते हैं। लेकिन इनसे काम लेने का क्या तरीका है भारतीय रेल का, वो जितने गेट हैं ये ठेके पे दे देते हैं। वो जो ठेकेदार हैं वो अपने तरीके से अपने आप कर्मचारियों को लेते हैं। आज पूरे भारत के अंदर त्राही मच रही है नौकरियों की। जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती थी हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी देने के बावजूद आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार कर दिए गए हैं। जो गेट पर काम करते थे उनको भी बेरोजगार कर दिया। जो इस एसोसिएशन को देख रहे हैं वो देख रहे हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, आपको बहुत दिन हो गए इसको चर्चा में लाते हुए, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है? हम लोग अभी तक स्टार्ट किए हुए, हम लोग 2014 से हम लोग गेट मित्र में काम कर रहे हैं। वो कि ऐसे खुला जगह में गेट है कि हम लोग का नहीं, वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है ना, पे भी हम लोग को गाड़ी आती है तो हम लोग को कोई गाड़ी का पता चलता है कि हम लोग को गाड़ी आ रही है, हम लोग अलर्ट हो जाए या फिर पब्लिक को रोके। लेकिन जब गाड़ी का हॉर्न से हम लोग अलर्ट होते हैं और पब्लिक को रोकते हैं, उस पर जब भी एक्सीडेंट रेलवे में जितने भी एक्सीडेंट होते थे उसके 35% एक्सीडेंट केवल मानव रहित फाटक पे होते थे। लेकिन जब से गेट मित्र की तैनाती हुई है तब से ये 35% एक्सीडेंट बिल्कुल बंद हो गया है। उसमें 1-2 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कि पदाधिकारी या फिर रेलवे में कुछ कमी है उसके वजह से होता है। जैसे कि हमारे अभी कुशीनगर में वो जो हादसा हुआ है उसमें 100% गलती वो रेलवे की है। वो गलती है कि वो खुला गेट है, उसमें गेट मित्र को ये होना चाहिए, उसको देना चाहिए ऐसा सुविधा कि गाड़ी आए तो उसको पता चले कि गाड़ी आ रही है या फिर कोई ऐसा इस तरह का होना चाहिए उसका व्यवस्था। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। गेट मित्र वहाँ पे खड़ा था और गाड़ी आई पता नहीं चला उस पीरियड में, और उसमें ड्राइवर का भी गलती था जिसमें कि हेडफोन लगा रखा था और उसमें जबकि गाड़ी सामने आ गई तो वो रोका, रोकने का प्रयास किया, उस पीरियड में नहीं रुका। अगर इस तरह का कोई व्यवस्था रेलवे किया होता कि रोक सकता था वो गाड़ी को तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन ये हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे वजह से ये 35% एक्सीडेंट जो बंद हो गया रेलवे का, हम लोग के चलते ये अभी देख रहे हैं कितना धूप है, धूप के समय में, ठंड के समय में, बरसात के समय में हम लोग को खुले में ड्यूटी करना पड़ता है। ना वहाँ पे शौच का कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था है, ऐसे ही खुले में हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। इतने परिश्रम करने के बावजूद भी रेलवे हम लोग को मेरे साथ शोषण कर रहा है। और जब शोषण करते करते हम लोग को यूजन थ्रो, जस्ट लाइक यूजन थ्रो इस्तेमाल कर लिया, जब उसका काम खत्म हो गया तो हम लोग को फेंक दिया। हम ये रेलवे से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्थायीकरण करें। नीरज जी, टोटल जो गेट मित्र हैं वो कितने हैं, कुल कितने गेट मित्र हैं? टोटल 10,000 अप्रोक्स, 10,000। तो उसमें आप लोग मेल फीमेल कितने हैं? हमारे साथ कुछ लेडी भी हैं, अपना पूरा नंबर नहीं बता सकते कि कितने लेडी हैं, लेकिन फिर भी 100 की संख्या में लेडी भी है हम लोग के साथ। लेकिन हमारी जब आपका सिलेक्शन होता है किस आधार पर सिलेक्शन? हम लोग को कॉन्ट्रेक्टर रखता है, कॉन्ट्रेक्टर रखता है, लेकिन काम हम लोग रेलवे का करते हैं। हम लोग का अधिकारी जो भी हमारे बढ़िया अधिकारी होते हैं हमारे, वो हम लोग को अटेंडेंस लेते हैं, सुबह का शाम का अटेंडेंस लेते हैं। अधिकारी लोग अपने सिर पे साइन करते हैं और विदाउट हॉलीडे, एक भी हॉलीडे नहीं, विदाउट रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं। जब आपके साथ में इस तरीके का कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, कॉन्ट्रेक्टर की होती है या रेलवे की होती है? कॉन्ट्रेक्टर की भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है, वो सिर्फ गेट मित्र की जिम्मेदारी है और किसी का नहीं। जो आपका जो कॉन्ट्रेक्टर है, ठेकेदार है, क्या आपको ESI वगैरह की ऐसी जो सुविधा देता है? कुछ नहीं, ऐसा कोई सुविधा नहीं हमको। जब एक रेस्ट तक नहीं मिलता है तो और सुविधा की बात हम क्या कर सकते हैं? जो कि बिना रेस्ट किए हुए कोई एक बंधुआ मजदूर होता है ना, उससे भी बदतर मेरी सैलरी है और बिना किसी रेस्ट के
365 दिन ड्यूटी करना पड़ता है। क्या रेलवे को ये नहीं पता कि हम लोग इतने समस्या में हैं, हम लोग के साथ इतना शोषण किया जाता है? ऐसा कहीं होता है क्या? ये संविधान में कहीं लिखा है क्या कि 365 दिन कंटिन्यू कोई ड्यूटी कर सकता है क्या? सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से मेरी मांग ये है कि जब हम इतने 5 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप मेरे चलते आपके ये रेलवे में एक्सीडेंट होना बिल्कुल बंद हो चुका है, तो आप हमको अस्थायीकरण करें। और एक और मांग है मेरा ये कि जब जो पे आप रेलवे कॉन्ट्रेक्टर को करता है 12,000 समथिंग जो भी पेमेंट है, वो जो रेलवे को करता है, वो डायरेक्ट पेमेंट अगर हमको करेगा, वो तो रेलवे का कहीं घाटा नहीं है ना, उसमें तो कोई रेलवे को कोई नुकसान नहीं। हम तो ज़्यादा नहीं मांग रहे कि आप कॉन्ट्रेक्टर को दे रहे हो उसे आप ज़्यादा हमको दो, आप जो कॉन्ट्रेक्टर को दे रहे हो वही सैलरी आप हमको दो, मेरा ये मांग है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि ये मांग होने के बाद हम लोगों को गेट मित्र को हटाया ना जाए। आपको लड़के का जरूरत है, आप वैकेंसी कर रहे हो, तो फिर हम जो 5 साल से काम कर रहे, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप हमको रखो, यही मांग है मेरी। चलो और जानकारी लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद साकिब आलम। साकिब आलम जी, आपको कितने दिन हो गए? मेरे ये 3 साल पूरे गए। 3 साल पूरे हो गए। हाँ, अभी हमारे यहाँ क्या क्या सुविधा दे रही है गवर्नमेंट? कोई सुविधा नहीं, उसी तरह जू का तू है ये। इसके बाद अभी गेट कंप्लीट हुआ, ज्यादा दिन नहीं होता है, ये 6 महीना होता है। ये अभी गेट नंबर 353 ये गेट अभी कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने में कुछ काम बाकी था। 353 गेट कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका सुधानी और तेलता के बीच, ये डिवीजन कटिहार के अंदर है। कटिहार के अंदर जी, डिवीजन कटिहार के अंदर है और ये सुधानी और तेलता के बीच पड़ता है। तो इसमें काम होते ही अभी चंद दिन ही काम हुआ, जब तक कह रहे हैं कि भाई आप तुम लोगों का यूजन थ्रू काम ले लिया, अब तू लोग जा। अब ठेकेदार कहता है कि आप मतलब आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। क्या आप अपने रेलवे के आला अधिकारियों से मिले? मैंने आला अधिकार, मैं CPWI से भी फोन किया, मैं एरियन साहब से भी फोन किया, मैं DN1 से भी फोन किया। कोई कहे भाई ये तो काम उसका है, हमको सर आप लिखे हैं सारा जी, मैंने सारा काम ये आपका है, साइन आप करते हो, रेल में जो है रेल को चलाते आप हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स में साइन करते आप, मेरा हाजिरी बनाते आप, सारा प्रक्रिया सर आप करते हैं, वेतन आप देते हैं ना कि ठेकेदार। बैंक पेमेंट से वेतन होता है आपका? बैंक से होता है वेतन? हाँ, ये जो है ना वो ड्राफ्ट बना के देते हैं, वो चेक बना करके काट के देते हैं वो, और ट्रांसफर मेरा जो है मेरा खाते में हो रहा पैसा वो। क्या आपको ये जो ठेकेदार ESI वगैरह की कोई सुविधा दे रहा है? कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, जान चले जाए, जान खत्म हो जाए, कोई सुविधा नहीं है। कितनी सैलरी मिल रही है आपको? 3,000 से स्टार्टिंग किया था, अभी 4,000 में आया है। 3,000 से स्टार्टिंग किया, 4,000 में? 4,000 में आया। जो ये गवर्नमेंट के रूल है, सुप्रीम कोर्ट के रूल है कि भाई जो आप जितना काम, ये सामान्य काम सामान्य वेतन ऐसा कुछ नहीं है, कोई लागू है ना कोई काम है ना कुछ नहीं, ऐसा काम कुछ नहीं है। अभी तो सबको निकाल दिया गया। निकाल दिया जी, अभी निकाल दिया है। ये 4 महीना 5 महीने में उस पर भी पैसा देता है, 4 महीना 5 महीना गुजरने के बाद पैसा देता है। और ये सर मनमाना रेल कर रहा है, ये रेल जो हमको रखा है हमारे साथ, ये जुल्म है, ये अत्याचार, ये काबिले बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई मीडिया परवाड़ी, आप भी अगर हमारी जगह पर उस जगह पहुँचते तो आपको भी ये सदमा और एहसास, ये गर्म एहसास होता कि नहीं आखिर ये लोग कैसे झूझ रहे हैं और इन लोगों का झूझने का क्या मतलब है। कोई भी प्रशासन, मैंने आपके पास आज फर्स्ट रूम में आया था, ये जंतर मंतर में धरना दिया था, उस वक्त आप मौजूद थे, मैंने सारी कहानी और सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दे दिया है। आज तक उस डॉक्यूमेंट्स या उसका कहानी आज तक मेरा किसी इसमें नहीं आया, या सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल कोई कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो ये सरकार की खामियां हैं या रेल मंत्रालय की खामियां हैं या आला अधिकारी? ये मुझे तो एहसास हो रहा है कि हम रेल मंत्री में गुहार लगाए हुए हैं और ये छठा बार है। अरे मंत्री, आप मेरे मंत्री हो, आपको मंत्री किस लिए बनाया गया? ये मेरे काम के लिए, मैं एक जनता हूँ, मैं आपका सेवाकार हूँ, मैं सत्कार हूँ, और मेरा मेरे रेल का मालिक आप हो, मैं आला अधिकारी आपको समझता हूँ, पूरे रेल का महान समझता हूँ, तो मेरे लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई बैठ के? मैं आपके पास 5 बार फरियादी लेके आया, मुझे फरियादी नहीं मिलेगी? ये क्या शासन है साहब, ये क्या मेरे लिए आप इंसाफ का घोर लगा के रखे हैं? आप करेगा मैं आपको जॉब दूंगा, मैं आपको काम दूंगा, क्या काम दे रहे हो, मुझे निकाल रहे हो? ये क्या है आपका, ये मुझे क्या देख रहे हैं आप, मेरा क्या फैसला कर रहे हैं आप? अगर हकीकत माने फैसला कर रहे तो मुझे निकाल देगा, आप मेरा मालिक हो, कौन निकालने वाला होता है? ये निकालने वाले आप होते हैं, आप अगर उनको कहेंगे क्यों निकालोगे? बहुत विडम्बना की बात है कि पहले इनसे काम लिया जाता है, ना ये धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना अपने बच्चों को देखते हैं, ऐसी जगह इन्हें लगाया जाता है जो गेट हैं वो मानव रहित गेट बोला जाता है, और वहाँ से जब ट्रेनें निकलती हैं तो लोगों को रोका जाता है, और किन परिस्थितियों के अंदर ये रोकते होंगे, बड़ी विडम्बना वाली बात है। क्यों, और जो नेता हैं और
जो इनके आका हैं वो बार बार यही कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम दे रहे हैं, लेकिन आज युवा इस तरीके से रोड पे आ चुका है कि उनके आंखों से आंसू झलकता है और इनको काम देने के बजाय इनसे काम छीना जाता है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जितना आप काम करोगे उसकी एवज में उतना पैसा मिलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं, तो ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इनके साथ में कुछ महिला और भी हैं। क्या नाम है आपका? राजवती सागर। सागर जी हाँ सर। तो आप कहाँ से आई हो? हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से? उत्तराखंड से जी हाँ सर। तो जिसपे आप गेट पे काम करते हो उस गेट का क्या नंबर है? 13C। 13C जी हाँ सर। तो क्या मांग है तुम्हारी, क्या मांग लेके आई हो? हमारी मांग ये है कि हमें गवर्नमेंट किया जाए, गवर्नमेंट स्थायी, हाँ स्थायीकरण किया जाए हमारे साथ। जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो क्या कि आपने फार्म भरा था? हाँ फार्म भरा था हमने। तो फार्म में क्या क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ ये था, क्या कहते हैं, जब हमने फार्म भरा था उस समय उसमें ये था, क्या कहते हैं, जब हम फार्म भर रहे थे उसमें ये क्या, जब तुम फार्म भरते समय मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है, कोई हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदार तुम हो, ना कि हम हैं। गेट पर हो जाता है, गेट पर कोई हादसा, हाँ जो कोई गेट पर हादसा हो जाएगा उसके जिम्मेदार हम होंगे, ना कि कोई सरकार होगी, ना कोई रेल वाला होगा, ना कोई ठेकेदार होगा। ड्यूटी होने के भी बावजूद कोई भी हादसा होगा फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो लोग खुद होंगे। तो कितनी तनख्वाह मिल रही है हमें? पहले स्टार्टिंग में 3,000 थी, अब 4,500 दे रहे हैं। 4,500 हो गई है जी हाँ सर। तो जो ठेकेदार है वो तो आज जो गवर्नमेंट का रूल है वो 13,450 रुपए है, यानी 14,000 रुपए है जी हाँ सर। तो अब आपको इसमें से काट पीट करके वो 4,500 दी जाती है हमें, मतलब एक तरफ से कि गुलामों के गुलाम। हाँ गुलामों के गुलाम है हम सर, गुलामों के गुलाम सर। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और ये पूरी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी क्या बचाए, वो बेटी ये ख्याल है नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी का रोजगार दे के बेरोजगार किया जा रहा, क्या यही बेटी बचाओ है क्या है? क्या मजबूरी है तुम्हारी कि आप जो 4,500 रुपए में नौकरी कर रही हो, क्या मजबूरी है आपकी? पेट कब हो, पेट पालने के लिए 4,000 भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्या कहते हैं नौकरी छोटी हो, नौकरी है बड़ी हो, इसलिए हमने नौकरी की है। नहीं तो इसकी बजाय ये गेट मित्र की जगह आप और भी कोई नौकरी, ऐसा है ना कोई उम्मीद लगा के हमने नौकरी की, हमने सोचा कि हम सरकारी हो जाएंगे, स्थायीकरण हो जाएंगे, इसलिए करके हमने नौकरी की उस गेट पर, 4 सालों से हम उस गेट पर नौकरी कर रहे हैं, कोई उम्मीद होगी इसलिए कर रहे हैं हम, जब उम्मीद ही, जब हमारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी तो हम क्या नौकरी करेंगे। आप ये ठेकेदारों से ये उम्मीद कर रही हो कि हमें परमानेंट कर, हाँ हमें सरकारी कर देंगे? जी हाँ सर। ठेकेदार से क्यों करेंगे, पीयूष गोयल से कर रहे हैं ना अपनी उम्मीद, उनसे क्यों करेंगे हम? तो आपने रेलवे में तो कोई फार्म नहीं भरा ना, तो आपने तो ठेकेदार के यहाँ उन्होंने फार्म भरा, तो हम अब धरना दे रहे हैं, हम तो यही मांग रहे हैं कि हमें स्थायीकरण किया जाए। चलो और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता वर्मा। सरिता वर्मा जी। आप कहाँ से आई हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। क्या है आपका गेट नंबर? क्या है? 9C। 9C। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग को ये मांगे कि हमें स्थायीकरण किया जाए। क्यों कर दें स्थायीकरण? आपने ऐसा क्या कराया कि आपको स्थायीकरण कर दें? सर हम 4 साल हमने रेल को दिया है अपना, वो भी 3,000-4,000 रुपए में। कोई आजकल 12 घंटे ड्यूटी कराते हैं ना, हमको कोई रेस्ट है उसमें किसी चीज की? 12 घंटे ड्यूटी जी। तो 12 घंटे ड्यूटी का कितना पैसा देते हैं आपको? 4,500 रुपए देते हैं, उसमें से भी हम लोगों को पूरी पेमेंट नहीं देती है, 6-7 महीने में पेमेंट मिलती है, उसमें से भी जैसे अगर हम छुट्टी लेते हैं, 1 छुट्टी 2 छुट्टी, तो 700 रुपए, 1 छुट्टी का 700 रुपए काटते हैं वो लोग। 1 छुट्टी के 700 रुपए काटते हैं जी। कोई संडे की छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, पूरे 30 दिन है, तो 30 दिन ड्यूटी करनी है हमको। तो आपकी जो अटेंडेंस लगती है वहाँ कैसे अटेंडेंस लगती है? अटेंडेंस मतलब की मैन आते हैं, तो की मैन मतलब हमको डायरी मिली है, की मैन डायरी, उस पर की मैन साइन करेंगे, 1 सुबह 7 बजे करेंगे, फिर शाम के टाइम साइन करते हैं। खाली एक ठेकेदारी का नाम दिया गया है, बाकी सारा कुछ रेल से संबंधित है, जितने अधिकारी आएंगे उसमें साइन करेंगे। अब तो हमको रजिस्टर भी दिया गया है, जितनी ट्रेनें जाएंगी उसके ट्रेन के नंबर लिखना है, ट्रेनें पास करानी है, कितने टाइम कौन सी ट्रेन जा रही है, लाइट इंजन जा रहा है, मालगाड़ी जा रही है, पूरी जैसे एक रेलवे कर्मचारी ड्यूटी करता है उसी प्रकार हमसे ड्यूटी कराई जा रही है। एक स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी जो होती है, जो कौन सी ट्रेन गई, कौन सी आ रही है, क्या जा रहा है, ये आप लोगों से? जो एक गेटमैन जी, जो एक गेटमैन जी, जो एक गेटमैन ड्यूटी करता है वही, जो जो 28,000-30,000 रुपए लेकर ड्यूटी कर रहा है वो हमको 4,000 में कराया जा रहा है। नहीं आज जो स्टार्टिंग है वो 60,000 से है, 28-30 का तो जमाना गया आज से 10 साल पहले। हाँ आज तो वो हम 4,500 में कर रहे हैं वो काम। तो क्या मजबूरी है आपकी वर्मा जी की, मतलब आप 4,500 में नौकरी? सर मजबूरी क्या है, लड़कियाँ क्या नहीं कर रही, पढ़ाई किस लिए करते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि मतलब गेट पे ड्यूटी या कहीं, हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, पढ़ाई इसीलिए करते हैं, ये नहीं है आज की लड़कियाँ आगे हैं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो मैं तो ये कहती हूँ कि बेटी को पढ़ाने नहीं चाहिए, अनपढ़ ही रखना चाहिए, क्या फायदा पढ़ाने लिखाने से, कोई फायदा नहीं। अब
अभी जो दो करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा था उसमें कितने वायदे पूरे हुए हैं? कोई वायदा कोई पूरा नहीं हुआ। हम लोग तो रोजगार देकर रोजगार से हटाया जा रहा है, तो क्या वायदा पूरा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे।